गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। और अभी मैं आई हूँ अपने छत पे, क्योंकि आज कोहरा नहीं लगा हुआ है, आज बादल लगे हुए हैं हल्के हल्के से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है छत पे आके। पीछे से कोयल की आवाज़ भी आ रही है। और मेरी नींद जो है सुबह गाड़ी के हॉर्न से ही खुलती है, क्योंकि हमारे घर के जस्ट नीचे पर पेट्रोल पम्प है। तो आपको दिखा देती हूँ एक बार आज का मौसम कैसा हो रहा है। तो यहाँ से थल बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये गोल साइड है और ये मार्केट। तो आजकल ठंडी का मौसम है तो नींद थोड़ा लेट खुलती है और उठने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है 5 मिनट और सोऊं, लेकिन उसके बाद जब स्कूल के लिए देर होती है उसके बाद लगता है काश 5 मिनट पहले उठ गई होती तो अभी देर नहीं हो रही होती। तो गाइस मैंने कुकर में तरूर चढ़ा रखे हैं और चमसूर काट रखा है, तो मैं सब्जी बना लेती हूँ और आटा भी गूंथ के आई हूँ मैं छत पे। अभी से ही देखने के लिए आई थी तो अच्छा लग रहा था, तभी मैं छत पे आई। लगता है ये अब पक ही गए होंगे और इसकी गैस लीक कर लेते हैं। मेरा नाश्ता तैयार हो गया है, इसमें मैंने थोड़ा सा तरूर की सूखी सब्जी निकाली है और इसमें मैंने मट्ठे वाली बनाई है। जब हम होते हैं स्कूल के लिए तैयार, नाश्ता तो तैयार हो गया है, फिर कहीं देर ना हो जाए स्कूल के लिए, क्योंकि अब 7:30 बज गया है। इस टाइम से तैयार हो गए हैं और अब टाइम से निकलते हैं, 8 बज गया है, बस भी आती होगी हमारी, चलो चलते हैं। गाइस मैं स्कूल से घर पहुंच गई हूं और आज ना हवा चल रही है काफ़ी और बादल भी लगे हुए हैं, तो देखो क्या पता शाम तक बारिश भी हो सकती है। हाथ मुंह तो मैंने धो ही लिया है, अब कुछ खाने का प्रबंध करते हैं, कुछ खाने को बनाते हैं। तो गाइस हमारे मम्मी भैया ट्यूशन आए हैं और इनको हम छोड़ने जाते हैं अब बाजार तक। तो गाइस हम छत में थे और वहाँ बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और चीड़ के पेड़ में जो येल्लो धूसा टाइप का होता है वो आंखों में जा रहा है, उससे जुकाम लगने का डर भी होता है। तो हम जा रहे हैं कमरे में। नन्नू स्कूल जो आ गया है नन्नू। तो गाइस नन्नू आपको एक गाना सुनाएगा। नन्नू चल सुना। नन्नू तेरी पाउडरा वाला नहीं यार, कुछ और दूसरा वाला। लाल बोतल सराम तू छ बड़ी करम, अब क्या करूं रे भजन सुना दे कोई भजन। चल वो तो नहीं आती। कभी तूने पूजा पाठ नहीं करी घर में अपने भगवान जी की? नहीं करी। ओम जय जगदी हरे माता की पार्वती पिता महादेवा एक दंत तया चार पूजा धानी मस्त सुंदर की पर सवारी। ये कौन सा भजन है? नया भजन लॉन्च हुआ है गाइस, ये नन्नू ने आपको सुना दी। ऐसा वाला? हाँ ऐसा वाला। ओम भूभुवस्वः भुवस्वः बिंदुल वलेरियम भर्गो देवस्य धीमहि दोयो नाभजो गिरा ॐ भूभुवस्वः भुवस्वः बिंदुल वलेरियम भर्गो देवस्य धीमहि दोयो नाभजो गिरा। और दूसरा वाला जन मना भी तो है। सुना फिर जन मना। चल जन मना अधिनाय का जया है भारत भाग्य रास्ता जया है। गलत गा रही है, गलत। जया 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 भजन से लेके गाने से लेके राष्ट्रगान तक इसने सुना दिया है, इतनी टैलेंटेड गाय है मेरे पास। फिर दूसरा। फिर दूसरा बोल तो आता होगा। दूसरा वाला होएगा यार, कौन सा वाला होएगा यार? छेद नहीं आएगा। बोल जल्दी। छेद कौन सा वाला आता होएगा फिर? मतलब कौन सा वाला आता होएगा आपको सॉन्ग? जौन सा वाला आता होएगा वो कौन सा वाला सुनाएगा? चलो किला पाना तो होएगा। चलो जो होएगा वही सुनाएगा। चलो सही कि मैम तो वही सिखाती है। चलो फिर जो आता है वही सुनाएगा। किले प्यार है आई सॉन्ग बोला ना मैंने। सॉन्ग तो नहीं आता। कोई सा तो सुनाओ गाना। जानी तो आती होगी। नहीं आती होगी मुझे, बुद्धू मैं।
ऊपर पंखा आता है मेरे को। ऊपर पंखा छोड़ यार छी, ऊपर पंखा तो सबके होते हैं आजकल। ऊपर पंखा चलता है छी यार, ऊपर पंखा नहीं यार, नीचे बेबी सोती है। चेरोली छुट्टे हो लोबर ता चेरोली मेरो नया लो। किसका नया लो? क्या लो नया? क्या लो? नया लो। नया लो क्या होता है फिर? नहीं आता तेरे को? हट बुद्धू कहीं की, मुझे तो लगा तू होशियार होती होगी करके। अब तो फर्स्ट भी नहीं आएगी क्लास में, सेकेंड आएगी ना है? थर्ड आएगी? थर्ड आएगी, सेकेंड आएगी? सेकेंड तो आएगी होगी। बोलिए नॉन बोल तो। नॉन पेपर सीजर, नॉन पेपर सीजर, नॉन पेपर सीजर, नॉन पेपर सीजर कटते आओ। नॉन पेपर क्या होता है यार? स्टोन होता है। ये देखो बिंदु, बिंदु मेरे कपाल में लगा दे। तेरी कपाल है की बिंदुली तेरे गले में कसूते काटा लगाते लगा आओ लगा दे यार दोस्त। आओ कहाँ गिर गया? आओ तेरे हाथ में ही तो है। आओ नहीं लगेगा मुझसे। आई थी एक दिन से आई थी। तेरी दोस्त कौन कौन है तेरी क्लास में? काव्या और तीन सभी थे। गौरी नहीं आई थी और पता नहीं और कौन आया, वन सभी आए थे। मैडम भी आई थी। हमारे स्कूल मैडम का नाम है ना गीता मैम। अब तुम्हारे स्कूल आएगी फिर? कल टू कल ना पेपर नहीं है ना, इसलिए हम पढ़ेंगे किताब में लिखने के लिए। पता नहीं ऐसे नारी भी पता नहीं गजब हो जाते हैं, पर कभी गलत होता है वाले नार और सुनार। कभी मैडम लेजर ले आती होगी, पता नहीं मिटाते ही होते रहते हैं। कौन मिटाते होते रहते हैं? हम लोग। क्यों यार ऐसा क्यों करते हो फिर? गलत हो जाता है, जब गलत होता है तो मिटाते ही है फिर। अब तुम्हारे स्कूल आएगी अगले साल से? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब आऊंगी। अब तो तू बड़ी हो गई, छोटी जो क्या है तू, इतनी बड़ी हो गई है। कल अभी भी छोटी है। इतनी बड़ी तो हो गई है, तूने नाक छेद दिया ये। आ। जो नाक छेदता है वो बड़ा होता है। मैंने भी नथली पहनी है देखिए, और तूने भी नथली पहनी है, तू मेरे बराबर तो हुई ना। छोटी नथली तो मेरी बड़ी नथली नहीं है फिर, मैं तुझसे छोटी हूँ ना, तेरी बड़ी है देख, इसका मतलब तू बड़ी है मुझसे। हेलो गाइस, हम अपने घर जा रहे हैं। जाओ फिर। ओके आओ मजा नीचे आ गया, कल मिलेंगे। ओके गाइस, मौसम खराब हो रहा है और बहुत भयंकर भयंकर आवाज आ रही है, खड़म चड़म हो रही है बाहर। आज रात बारिश आती तो ठीक ही होता, कब से बारिश नहीं हुई, इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है दोस्तों। अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ मैं कि कितनी गर्मी होगी, वो भी थल जैसे इलाके में। यहाँ तो गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, तो इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने वाली है। तो दोस्तों 7:30 बज गया है और आज मैंने रात का खाना जल्दी बना लिया है। तो मैंने आज रात के खाने में गोभी की सब्जी बनाई है और रोटियां बना ली हैं। तो हम लोग तो अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस बढ़िया खाना तो खा लिया है, अब मैं दूध पी रही हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद मैं दूध पी रही हूँ, इसीलिए दूध नहीं पीती हूँ, गुड़ ज़्यादा लगता है। तो मैंने एक गिलास दूध के हाथ 3 डल्ले गुड़ के खा दिए हैं, अभी भी दूध ख़त्म नहीं हो रहा, अभी भी दूध है इसमें। तो चाय पीऊँ या दूध पीऊँ, दो दो तीन तीन ढीले तो मुझे गुड़ के चाहिए ही होते हैं, इसी डर से मैं दूध नहीं पीती हूँ, क्योंकि मीठा ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। फिर भी मैं चाय और गुड़ के हाथ बहुत मीठा खाती हूँ। अभी तक तो मौसम बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था, लेकिन अब शांत हो गया है, हवा भी चल रही थी, अब ठीक है। तो मैं कुछ किताबें देख रही हूँ गाइस, यहाँ नई नई नॉवल्स लेके आए हैं कल ही पिथौरागढ़ से, 6 नॉवल लेके आए हैं। मुझे नॉवलों के बारे में ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, बस मैं बाहर का देख के, मतलब जो भी बाहर का टाइटल पढ़ती हूँ मुझे पसंद आ जाती है, लेकिन पढ़ती कभी नहीं हूँ। सोचती हूँ ये अच्छी लग रही है मैं पढ़ूँगी, लेकिन पढ़ा नहीं जाता, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो इन नॉवलों के मालिक से पूछते हैं कि ये क्यों लेके आए हैं, और वहाँ पर बैठ के अभी भी पढ़ ही रहे हैं, इनको बहुत पसंद है नॉवल पढ़ना। तो पूछते हैं कौन कौन सी नॉवल ही लेके आए हैं, ज़रा बताइए हमको। हेलो गाइस,
मैं तो बहुत कम पढ़ती हूँ किताबें, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है किताबों से, मुझे एलर्जी है शायद। हेलो गाइज, इनको बहुत पसंद हम लेके आए हैं 6 किताबें। जी हाँ, 6 किताबें। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं यह है जितनी मिट्टी उतना सोना, लिखा है अशोक पांडे जी ने, काफ़ी अच्छी किताब है, यात्रा वृत्तांत। और दूसरा भी है इनका एक और उपन्यास जिसका नाम है लप्पू झन्ना। अब इसमें पता नहीं क्या है, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन इस किताब के बारे में काफ़ी सुना है और काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं इस किताब के। तो दूसरी किताब मैं ये लेके आया। और तीसरी किताब है मेरी रेत समाधि। आप जानते हैं इसे कि ये गीतांजलि श्री द्वारा लिखी है और इन्हें जो है बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसे भी उठा लाया मैं। अब जानते हैं, पढ़ते हैं क्या है इसमें, फिर बताएंगे आपको। और जो चौथी किताब है वो भीष्म साहनी की तमस है और काफ़ी अच्छी बुक है ये, और इसके बारे में भी आपको ज़्यादा जानकारी पढ़ने के बाद ही उपलब्ध हो पाएगी। इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मैं एक लेके आया हूँ, शोर मध्य हिमालय का अतीत, डॉक्टर राम सिंह जी द्वारा लिखी गई है ये किताब। इसमें प्रारंभ से लेके सन 1857 तक जो है शोर जो घाटी है हमारा पिथौरागढ़, उसके बारे में लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छी और रोचक जानकारियाँ इसमें उपलब्ध होंगी जो आपको हम बताएंगे पढ़ने के बाद। और एक किताब और लेके आए थे जो है देवभूमि डेवलपर्स, ठीक है, ये भी अच्छी है। और ये नवीन जोशी जी द्वारा लिखी गई है, ये भी काफ़ी अच्छी है और इसे भी आपको पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे कि कैसी है। तो इसके लिए आपको अगर कोई पढ़ने का इच्छुक है तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। और बदले में एक किताब साथ में लेके आइए जो आदान प्रदान जरूरी है ज्ञान का और किताबों का। धन्यवाद, बाय बाय, मेरा पढ़ने का टाइम हो गया। इतनी बार रूम की सफाई कर रही थी दोस्तों, मैं नोबल रखते रखते इतनी परेशान हो गई, मतलब इतनी सारी नोबल्स है ना हमारे घर में, क्या बताऊँ, कुछ बहुत यहाँ है कुछ बहुत गांव में है, तो बहुत सारी नोबल्स हैं। अगर किसी कोई पढ़ने का इच्छुक होगा तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं तो इच्छुक नहीं हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जिन्हें पढ़ना पसंद है, अब सबको, सब एक जैसे नहीं होते हैं ना, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है। मुझे तो बुक्स से वैसे भी एलर्जी है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अब थोड़ा थोड़ा पढ़ने की सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है अब, तो थोड़ा हिंदी पढ़ना भी आ जाएगा। तो गाइस थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ लेती हूँ आज किताब, ये लप्पू झन्ना अशोक पांडे की किताब है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी किताब चाहिए। तो गाइज मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।